भोपाल क्राइम ब्रांच ने ऑटो चलाने की आड़ में चरस सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक ऑटो चालक आरोपी मोहम्मद ताहिर बीते कई दिनों से मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा था। आरोपी बिहार के रास्ते नेपाल से सस्ते दामों में चरस लाकर भोपाल में सप्लाई करते थे। इस दौरान एक लेबर जैसी दिखने वाली महिला का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने इस मामले में महिला समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही करीब 1,80,00,000 कीमत की 9 किलो चरस जब्त की है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इसी तत्वाधान में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि नेपाल के जो बॉर्डर से तस्करी होती है चरस की और बाकी एनडीपीएस की, उसके संबंध में एक सूचना मिली कि भोपाल के ताहिर मोहम्मद ताहिर जो कि शाहजहाँबाद का रहने वाला है, वो स्मगल करके नेपाल के थ्रू आने वाली चरस को भोपाल में लाएगा। इस संबंध में हमने हमारी टीम को डिप्लॉय किया था और सफलतापूर्वक टीम ने जो है करीब 9 किलो के आसपास चरस जो है वो पकड़ी है। ये काफ़ी रिफाइंड और प्योर टाइप की चरस है जो कि नेपाल के बॉर्डर से भारत में आई है।